बीजेपी के लोग बोलेंगे ये मुसलमान महिलाओं पे बड़ा अच्छा, इनके दिमाग में क्या क्या शादियां करते हैं लोग, बताओ डेटा दो, हम एक में परेशान है। नहीं चाचा कहा है बताओ, कहा डेटा है कुछ, कहा है डेटा है तो बताओ। अरे एक कोई एक से ही इंसाफ करना बड़ा मुश्किल काम है, इनकी शादी नहीं हुई इसलिए ये जज्बात में आ, ये शादियां बहुत करते हैं। वो दूसरा क्या बोलते हैं, बच्चे बहुत पैदा करते हैं लोग, कहा है डेटा बताओ ना। TFR रेट पूरे देश का गिर गया, मोदी ने सुप्रीम कोर्ट जाकर कहा कि दो बच्चों का कानून नहीं बना सकते, मगर ये बोलेंगे। और फिर बोलेंगे इस्लाम में मुस्लिम महिलाओं का सम्मान नहीं होता। अरे दीवाने, अकल तेरे भेजे में नाम की कोई चीज नहीं है। बताओ दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी किसने बनाया तुमको मालूम? पूरी दुनिया की सबसे पहले यूनिवर्सिटी किसने बनाई? मुस्लिम महिला ने बनाई। दुनिया की सबसे पहले यूनिवर्सिटी एक मुस्लिम महिला ने बनाई, उसका नाम क्या था? फातिमा अल फिफरी। फातिमा अल फिफरी था मौजूदा मोराको में। यूनिवर्सिटी बनाने वाली सबसे दुनिया में मुस्लिम महिला। और फिर ये बोलते नहीं मुस्लिम औरतों को दबा दे, तुमको नहीं मालूम जंगे अहद में फारूख आजम उलमा मौजूद है, पूछ लेना। जंगे अहद में फारूख आजम का ये फरमान है कि या रसूल अल्लाह, मैं अपने अतराफ में अगर किसी को देख रहा था तो नसीबा बिनते काब को देख रहा था। फारूख आजम कह रहे जिसको देखकर शैतान भाग जाता था। और आप हमको कहते हम दबाते, फारूक आजम के दौर में कौन था मिनिस्टर सुप्रिटेंडेंट? उनका नाम था शिफा बिनती अब्दुल्लाह। इस्लाम में सबसे पहले शहादत किसने दी? मर्द ने नहीं दी, एक महिला ने दी। उसका नाम हजरत सुमैया था, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे। तुम जानते नहीं हो हमारी तारीख को, याद रखो हमारी बहनों ने निकला CNRC में तो मोदी को कानून रोकना पड़ा, रोकेगा इंशाअल्लाह ताला। अगर हमारी बच्चियों से इसी तरह नाइंसाफी की जाएगी, हमारी बेटियों से, हमारी माओं से, हमारी बीवियों से, तो फिर ये महिला आगे निकलेगी इस बेइज्जती का, जमोरी तरीके से इसका जवाब भी देंगे इंशाअल्लाह ताला। कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता। नरेंद्र मोदी जी आप क्यों नहीं बोलते इन पर? क्योंकि आप कोर्ट नहीं जाते, क्योंकि आपकी पार्टी से, आपकी RSS की आइडियोलॉजी से वापस नहीं है।